आगे की तरफ एक बार बार धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे और अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास स्तन संचालन का अभ्यास करेंगे। जिसे भी गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से सिर के ऊपर लेके जाइए और दोनों हाथों का हथेलियों का मुख बाहर की दिशा में हो और कंधे शिथिल हो और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। अगला अभ्यास स्कंद चक्र अभ्यास। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के समान अंतर लेके जाइए, हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रखे और दोनों हाथों को कोनी से मोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं कंधे पर और बाएं हाथ को बाएं कंधे पर स्थापित करें और दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए और धीरे धीरे दोनों कोनी को घड़ी की सुई के समान घुमाइए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे, पूरा ध्यान कंधों पर और विपरीत दिशा में भी इसका अभ्यास करिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास कटिचालन का अभ्यास। दोनों पैरों को कंधों के समान अंतर रखे, दोनों हाथों को सामने से ऊपर कंधों के समान अंतर लेके आइए, हथेलियां के मुख अंदर की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर को घुमाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सीधा आ जाइए, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। इसका अभ्यास विपरीत दिशा में, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं तरफ घुमाइए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास घुटने चालन क्रिया। जिन्हें भी घुटने में दर्द है, अर्थराइटिस है, गठिया जैसे शिकायत है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए, हथेलियों का मुख नीचे की तरफ रहे और श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए आदि कुर्सी के ऊपर बैठे जैसे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे की तरफ और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और दोनों हाथों को नीचे की तरफ और विश्राम कीजिए। यहाँ चालन क्रिया का अभ्यास समाप्त हुआ। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे। सभी आसनों का अभ्यास एक ही बार करेंगे। पहला आसन ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का दूरी बना के रखिए, दोनों हाथों को सामने से कंधों के समान अंतर लेके आइए, दोनों हथेलियों को मिलाइए और उंगलियों को फंसाइए और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हो सके तो एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन बनाए रखने का प्रयास और धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लीजिए और दोनों हाथों को नीचे लेके आकर सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। यहाँ अभ्यास जिसे हाइपरबी है, हर्निया है, हाइपरगैस्ट्रिटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंच का दूरी बना के रखिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से सिर के ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए और दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखे या एंकल के पास रखने का प्रयास करें। इस अवस्था में कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को और कमर को ऊपर उठाइए
विकास पाचन क्रिया में डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पेट की चर्बी को घटाता है। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन, दोनों हाथों को कमर पर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को पीछे की तरफ लेके जाइए। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और दोनों हाथों को पहले जैसे सामान्य स्थिति में रखिए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे, सेटिंग सीरीज। धीरे धीरे अपने मैट पर बैठ जाइए, पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, दोनों हाथों को नितंब के पास रखें, गर्दन कमर सिर सीधा रखें, इसको दंडासन कहते हैं। इस अवस्था से अगले आसन पद्मासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों कमरे को मिलाइए और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए, श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को शरीर की तरफ खींचिए और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रखिए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। इसका अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है। और धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीघ्र दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे पीछे की तरफ लेके जाइए, दोनों पैरों को बीच में एक फुट के अंतर रखें, गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखें और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वज्रासन। यहाँ अभ्यास जिन्हें घुटने में दर्द है, अर्थराइटिस है या घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। शीघ्र दंडासन से दंडासन में और एक एक पैर को पीछे की तरफ मोड़िए और दंडासन से वज्रासन में आ जाइए। एड़िया बाहर की तरफ है, घुटने मिले हुए होना है और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाइए। दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला आसन यही से हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे घुटने पर खड़े हो जाइए, घुटने के बीच कुछ अंतर बना के रखिए, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए, कलाई ऊपर और उंगलियां नीचे की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास को करते हुए सिर गर्दन छाती के ऊपर की भाग को नीचे लेके जाइए। इस दौरान आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ अभ्यास बैक मसल को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोलें, दोनों हाथों को अंगुलियों को आगे फर्श पर स्थापित करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अतिव्यक्ति को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर लेके जाइए। नितंब एड़ियों पर टिका के रखे, छाती को धरती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह अभ्यास फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, अपर बैक मसल को मजबूत करता है और धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और विश्राम कीजिए। यहीं से हम उत्तान मंडुकासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल में से सिर के ऊपर लेके जाइए और एक एक हाथ को
दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधा पर स्थापित करें। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यह अभ्यास फेफड़ों का कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शीतल कंठासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए, सिर को आगे मंच की तरफ रखें और पैर नीचे की तरफ रहे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर बना के रखे। दोनों एड़िया अंदर और कंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं दिल को बाएं हथेली पर स्थापित करें और बाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करके रखे। और इस अभ्यास को मुद्रासन कहा जाता है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकर आसन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को छाती के पास रखें और श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए। और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शर्वासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जांघों के पास स्थापित करें, कोड़ी को जमीन पर स्थापित करें, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। घुटने को सीधा रखने का प्रयास सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रखिए। यह आसन सायटिका कमर तक जैसे शिकायतों को दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकर आसन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुपंचशीर्ष आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधान के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब को और कमर को ऊपर उठाइए। वृक्ष के आकार शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बनी रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्धहलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास। और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके आइए और धरती में स्थापित कीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। जिसे एबीपी है, हर्निया है, कमर दर्द है, ऐसे व्यक्ति को भी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने को सीने के पास लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए। जिसे गर्दन में दर्द है, सिर को ऊपर उठाने का प्रयास मत कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए।
सामान्य श्वास प्रश्वास पर। यह आसन पाचन क्रिया को बढ़ाता है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, अजीर्ण कब्जी जैसे विकारों को निवारण करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और पैर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास लेके आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाइए और पूरा शरीर को खींचिए। सकारात्मक खिंचाव लाने का प्रयास कीजिए। इस अवस्था में 2 से 3 श्वास प्रश्वास तक बने रहे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस शरीर के पास लेके आइए और पैरों के बीच में हाथों के बीच में उचित दूरी बना के रखे। हथेलियों का मुख आसमान की ओर खुले रहे, आंखें बंद रखे और गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। शरीर में उत्पन्न होने वाले ऊर्जाओं का महसूस करने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को देखने का प्रयास और पूरा शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। श्वास अंदर और गाय नाशिका
कारण से श्वास बाह दाएं से अंदर पुनः बाएं से बाहर। ध्यान रहे श्वास धीमा गहरा और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तनाव चिंता अवसाद अनिद्रा जैसे विकारों को नियंत्रित करता है और धीरे धीरे वायुनासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ से मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार बनाइए और जीभ से गहरा श्वास लीजिए और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास अंदर और नाक से श्वास बाहर। शीतली प्राणायाम शरीर में एकाग्रता को बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। शंख की मुद्रा धारण कीजिए, दोनों अंगूठे से कान बंद कीजिए, उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें, नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कंठ से बवरे जैसे शब्द को उत्पन्न कीजिए। एक और बार नाक से श्वास अंदर और गौरे जैसे कंठ से ध्वनि को उत्पन्न करते हुए नाक से श्वास को बाहर। कंठ से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास और तरंगों को मस्तिष्क तक लेके जाने का प्रयास और धीरे से दोनों हाथों को वापस लेके आइए। यहाँ भ्रामरी प्राणायाम तुरंत तनाव अवसाद चिंता को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखे, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा का धारण कीजिए। कंधों को शिथिल रखे और श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास धीमा और गहरा रहे, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता, अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए। पूर्णतः निर्विचार होने का प्रयास, ध्यान में लीन होने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए कि मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं।
शांति के सद्भावना के मंत्र के साथ आज का अभ्यास समाप्त करेंगे। हम सब सुखी रहे, हम सब रोग मुक्त रहे, हम सबका जीवन मंगलमय रहे, कोई भी दुख का भागी ना बने। दोनों हथेलियों को दर्शन कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे पलकों को झपकाते हुए कोमलता से दोनों आंखों को खोलिए और सामान्य स्थिति में आइए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, योगमय हो। जय हिंद, जय भारत। सभी योग अभ्यासियों के लिए आप अपने मैट पर बैठे रहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करने के बाद हम सबको देंगे। नहीं उठा, आप सभी को चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और योग के प्रति जो लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, जो उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देश नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से आज योग की महत्ता को, योग के ज़रूरत को सभी बेहद गंभीरता से समझ रहे हैं और इसे अपना रहे हैं। जी हाँ, आज का दिन बहुत ही खास। आज का दिन है अपने जीवन को संतुलित बनाने का, अपने शरीर को अपने मन के साथ, अपने खुद के अस्तित्व के साथ जोड़ने का। आज का दिन है अपने आप को स्व के साथ जोड़ने का, साथ ही साथ स्व के साथ समाज को जोड़ने का। आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। आज साल का सबसे बड़ा दिन भी है। आज से ही सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश कर रहे हैं।